नमस्ते, आज बोट नेक प्रिंसेस लाइन ब्लाउज की हम लोग कटिंग सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोगों को लेंथ चाहिए जो कि 14 इंचेस है, शोल्डर 15 इंचेस, बस्ट राउंड जो है 37 इंचेस, वेस्ट राउंड 31 इंचेस, आर्म होल 17 इंचेस, एपेक्स जो है 11 इंचेस, फ्रंट लेंथ 14 इंचेस, नेक सामने का 4 इंचेस डीप, इसके बारे में हम लोग सही तरह से आपको समझा देंगे। और बैक नेक जो है हम लोग इसमें डीप रखने वाले हैं, यानी इसमें फ्रंट जो है बोट नेक आएगा और बैक में हम लोग डीप नेक बनाने वाले हैं। और स्लीव लेंथ इनका 11 इंच, स्लीव राउंड इनका 11 इंच। अब बहुत सारे लोग बोट नेक तो बनाते हैं, लेकिन बोट नेक बनाने के टाइम में जो वो नेक डालते हैं वो बोट के जैसे नहीं दिखता है। तो बोट नेक का बेसिक फंडा क्या है कि वो बोट जैसा दिखना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी तो हम लोग बैक से कर रहे हैं शुरू। तो बैक के लिए पहले एक लाइन खींच लेते हैं यहां पे, हॉरिजॉन्टल एक लाइन खींच दे रहा हूं। उसके बाद में यहाँ पे मैं वेस्ट की मार्किंग कर दे रहा हूँ। इनका वेस्ट जो है 31 है, 31 का आधा, 31 का चौथा भाग 7.6 यानी 7.75, एक इंची एक्स्ट्रा डार्ट लगाने के लिए और 1.5 इंची एक्स्ट्रा मैं दे रहा हूँ वेस्ट, 1.5 इंची मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ मार्जिन के लिए। इनका लेंथ जो है 14 इंचेस है, तो यहां से 14 इंचेस के ऊपर एक मार्किंग दे रहा हूं और यहां पे एक और हॉरिजॉन्टल लाइन, और ये हो गया मेरा शोल्डर का लाइन और ये मेरी शोल्डर की मार्किंग यहां पे आएगी। तो शोल्डर हमारा जो है 15 है, तो उसका आधा 7.5। यहाँ पे मैं मार्जिन बिल्कुल भी नहीं रख रहा हूँ, क्योंकि मार्जिन हम लोग पेपर पे नहीं लगाते, हम लोग जब फैब्रिक के ऊपर डालते हैं उस टाइम में हम लोग आधा इंची का मार्जिन ऐड कर देते हैं। तो इनका बैक नेक विड्थ जो है 3 इंची, उसके बाद में इनका चेस्ट लेंथ आएगा 8.5, 8.5, और यहाँ पे एक मार्किंग, और यहाँ पे आप अभी डालोगे चेस्ट का मेजरमेंट। इनका चेस्ट जो है 37 है, 37 का चौथा भाग 9.25 यानी 9.2, इस टेप के हिसाब से देखिए 9, और ये 2 पॉइंट यहाँ पे लगा दे रहा हूँ। उसके बाद में ये जो मैंने मार्किंग डाला है 7.5 का, वही मार्किंग यहाँ पे एक और बार उसके बाद में इनका शोल्डर स्लोप आएगा 1.5 इंची का, 1.5 इंची का शोल्डर स्लोप आएगा, और इस लाइन को 1.5 इंची तक मैं खींच देता हूं यहां पे। उसके बाद में इनका शोल्डर स्लोप मैं यहां से ड्रॉ कर दे रहा हूं, यहां से शोल्डर स्लोप यहां से लेके नेक तक कनेक्ट कर दे रहा हूं। उसके बाद में इनका आर्म होल का शेप लगाने वाला हूं। तो आर्म होल का शेप मैं ये आर्म होल कर्व से लगाने वाला हूं। तो देखिए तो ये आर्म होल का शेप अभी लगा दिया, और एक बार इसे चेक कर लेते हैं। इनका आर्म होल जो है 17 है, 17 का आधा भाग करेंगे तो 8.5 आएगा। तो जब हम लोग यहाँ पे मेजर करेंगे हम लोगों को 8.5 आ जाना चाहिए। चलो देखते हैं। ये देखिए, अगर आप देख रहे हैं तो 8.5, फिर एक बार आपको फिर से मेजर करके दिखा दे रहा हूं। ये देखिए 8.5 बराबर से आ रहा है। इसके बाद में
डेढ़ इंची यहाँ पे ऐड कर देंगे। उसके बाद में यहाँ पे लाइन कनेक्ट कर देंगे और ये वाली लाइन यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो अब हम लोग शोल्डर डाल लेते हैं इसका, इनका शोल्डर, क्योंकि हम लोग बोट नेक बना रहे हैं तो हम लोग डेढ़ इंची रखेंगे। तो यहाँ पे डेढ़ इंची का मार्किंग डाल दिया, ये डेढ़ इंची यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। और उसके बाद में हम लोग इनका नेक डीप जो है 11 इंच का है, तो 11 इंच का नेक डीप डालेंगे यहाँ पे। यहां से एक लाइन खींच दे रहा हूं और यहां से इसे कनेक्ट कर दे रहा हूं। और जो शेप चाहिए वो शेप मैं अभी यहां पे दे रहा हूं। ठीक है, आप अपनी मर्जी से जो भी शेप चाहिए वो डाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग डार्ट लगाएंगे यहां पे। तो डार्ट लगाने के लिए देखिए, यहां से जो मेजरमेंट है उसको आधा करेंगे। आधा करने के बाद में ये जो एक इंची का मैंने डार्ट के लिए मार्जिन दिया, उसे हम लोग आधा इंची इस साइड में, आधा इंची इस साइड में लगा देंगे। और यहां से एक लाइन ऊपर की तरफ खींच देंगे। और जैसे आप जानते ही हैं कि अगर आपका बैक लेंथ 14 है तो हम लोग इन दोनों नंबर्स को जोड़ देंगे, तो ये आपका 1+4 हो जाएगा 5 इंची, और 5 इंची का हम लोग यहाँ पे डॉट लगाएंगे। तो ये देखिए, अभी डॉट का लेग में ड्रॉ कर दे रहा हूं, तो ये थोड़ा सा आगे की तरफ मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूं। क्यों? इसमें क्या होता है कि जब हम लोग क्लोज नेक बनाते हैं तो कस्टमर का रिक्वायरमेंट है 14 इंची का लेंथ। जब ये शोल्डर स्लोप निकल जाता है तो ब्लाउज की लंबाई जो है ना वो छोटी रह जाती है। देखिए, अगर अब इसमें सही तरह से देख रहे हैं, 3¼ तक का इसमें आ रहा है। तो क्या होगा, जब कस्टमर जब इसे चेक करेगा तो उसे क्या लगेगा कि आपने ब्लाउज का लेंथ छोटा कर दिया, और ये एक्चुअली में गलत हो जाएगा। तो इसे सीधा करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी यहां से एक मार्किंग यहां दे रहे हैं, जैसे इसको 14 बना दे रहे हैं, इस डार्ट लेंथ को 14 बना के। उसके बाद में यहां से हम लोग इसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये बढ़ जाएगा तो इसे भी बढ़ाना पड़ेगा। जितना यहाँ पे बढ़ गया उतना हम लोग यहाँ पे एक्सटेंड कर दे रहे हैं, और उसे हम लोग एक सीधे लाइन खींच के यहाँ पे लेके इसे ऐसे बना देंगे। तब आप, जब आपका कस्टमर अभी मेजर कर लेगा तब उसे 14 इंची बराबर मिल जाएगा। चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। नेक नहीं काटने वाला, नेक बाद में काटूंगा। ये जो मैंने 1.5 इंची का जो शोल्डर स्लोप लिया है, वो जो शोल्डर स्लोप का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे लिया 1.5 इंची, तो आप उसमें देख लीजिए। और ये हर एक कस्टमर के लिए उनकी बॉडी के हिसाब से अलग अलग ही होगा, एक नहीं हो सकता। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब ये साइड के भाग को एक बार मेजर कर दे रहा हूं। देखिए, ये 5.5 इंची आ रहा है, तो इसे यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 5½।